नमस्कार, मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपको क्लास में गोल स्कार्फ बनाना बताएंगे। पीछे से गोल बनाएंगे और सामने से डिजाइन वाली अलग से फंदे डाल के उसमें जोड़ेंगे। तो इसके लिए हमें लगेगा लगभग 100 ग्राम ऊन और दो कलर का बनाए तो 50 ग्राम का और लगेगा। और देखिए, उसके लिए हम अपने एक वीडियो में आप लोगों को बैग बनाना बताए थे। बैग की जैसे गोलाई बनी थी तो पीछे के लिए वैसे ही गोलाई बनाएंगे। उसके लिए डाल लेंगे 20 फंदे डाल करके बैग में आपको बताए हैं। फंदे सिंपल ही डालेंगे, बस 20 फंदे डालना है। ये पीछे के सिर के पीछे का एक गोलाई आएगा। और जैसे बैग में हर बार आते थे तो 4 फंदे बिना बुने छोड़ देते थे, उसी प्रकार 4 फंदे छोड़ते जाएंगे। यह गोल स्कार्फ का 20 फंदे डाल दिए हैं। आपको ज़्यादा और बड़ा करना है तो 24 फंदे भी डाल सकते हैं, हमने 20 फंदे ही डाले हैं। अब देखिए, हमारे एक वीडियो में ऊनी बैग बनाना बताए हैं, बिल्कुल गोलाई उसी प्रकार बनेगी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए, अभी जब पहली सिलाई है तो 16 फंदे ही बुनेंगे। 4 फंदे सेंटर का 4 फंदा बगैर बुने पलट जाएंगे। देखिए, इसी प्रकार हर लाइन में 4 फंदे छोड़ देंगे। जब आखिरी लाइन 4 फंदे बुन लेंगे तो फिर एक सिलाई सारे फंदों को फिर बुनाई करना है, बिल्कुल सेम जैसे ऊनी बैग वाले हमारे वीडियो में बताए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार। तो ये गोलाई का आकार ले लेगा। इसमें अलग से फिर फंदे डाल के डिजाइन डालते हुए स्कार्फ बनाएंगे। ये देखिए, 4 फंदे बच गए हैं। अब यहीं से पलट जाएंगे, इन 4 फंदों को नहीं बुनना है, यहीं से पलट जाएंगे। इसी प्रकार हर बार जब यहाँ पहुँचेंगे तो 4 फंदे बगैर बुने पलटते जाएंगे। जब सारे फंदे बुन लेंगे तो फिर एक सिलाई पूरी लाइन, तो इससे गोलाई बनने लगता है। ये देखिए, अब यहीं से पलट गए। दूसरी बार आएंगे तो इस तरफ 8 फंदे छोड़ देंगे, फिर 12 फंदे छोड़ेंगे, फिर 16, फिर अंत में 20 फंदे। बस ऐसे ही हमारा यह पूरा गोलाई बन जाएगा। फिर अलग से फंदे फिर डालेंगे और डिजाइन बनाएंगे। यह बनके गोल स्कार्फ बनके तैयार होगा। अभी ठंड बहुत पड़ रही है तो बचे हुए ऊन से या बचे हुए ऊन से ही बन जाता है। देखिए, अभी इसको दोनों तरफ से सीधा ही सीधा बुनाई करनी है। देखिए, ये डार्क ब्लू है तो जब इसको 4 लाइन बुनाई कर लें तो इसको डालेंगे, 2 लाइन इसकी बुनाई करेंगे, 4 लाइन इसको, 2 लाइन इसको, इसी प्रकार पूरी गोलाई बनाएंगे। अब जैसे ही 4 लाइन होगा ब्लू उनको जोड़ देंगे। गोल स्कार्फ का यह पीछे का गोल हिस्सा बन चुका है। इसको बताए हैं आपको डिजाइन कितने फंदे डाले थे और इसको बिल्कुल ऊनी बैग की तरह गोलाई को बनाए हैं। यह पीछे सिर के पीछे लगे हैं। देखिए, इसको 60 फंदे डाले हैं। 60 फंदा डाल के इसको गोलाई में ऐसे सिलाई करेंगे, उतनी लंबाई हमको चाहिए। देखिए, इसकी 3 फंदों का डिजाइन है, डिजाइन बताती हैं। इस सामने का जो बॉर्डर बन रहा है, 3 फंदे ऐसे सीधे सीधे बुन लिए। इसको 3 को 5 भी कर सकते हैं। अब देखिए, 3 फंदों का डिजाइन है, 1, 2, 3 है। तीसरा फंदा हमेशा ऐसे सिलाई में करके सामने ले आए और तीसरे फंदे को पहले बुनाई कर दिए।
उसके बाद वाले दो फंदे को इसके बाद बुनो, पहले का दो फंदा बाद में और तीसरा फंदा पहले, तीनों एक साथ गिरा दिए। ये देखिए डिजाइन बन गई, तीन फंदे का डिजाइन है। तीसरा फंदा ऐसे सामने ले आएंगे और इसकी बुनाई पहले करेंगे ये। अब इसके बाद ये देखिए तीनों फंदे हो गए, अब तीनों गिरा दिए। बस ऐसे ही डिजाइन बनते जाएगा, पूरी डिजाइन ऐसे ही। एक बार फिर देखिए, एक दो तीन, तीसरा फंदा सिलाई में उठाए, सामने लाए, उसकी बुनाई किए और ये बाद वाले फंदे जो सामने दो थे उसको अब देखिए ये बन गया डिजाइन। तीसरा बस ऐसे ही पूरी सिलाई, पीछे आएंगे तो पीछे पूरी उल्टी, फिर सामने से पूरा सीधा, फिर एक बार पीछे से उल्टी सिलाई, तीसरी बार में डिजाइन फिर ऐसे ही बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बनाए थे, फिर तीसरी सिलाई में यहाँ बनाए, अब फिर तीसरी सिलाई में बन रहा है, बिल्कुल ऐसे ही पूरा डिजाइन बनाएंगे। तीसरे फंदे को सामने ला के पहले बुन दिए, फिर पहला और दूसरा, हो गया। बस ऐसे ही पूरी सिलाई, पीछे पूरी उल्टी। यहाँ पे बॉर्डर दिए हैं, चार लाइन का बॉर्डर है, इसको बस ऐसे ही जितना हमको लंबाई चाहिए गोलाई में सिलाई करेंगे। देखिए ये साठ, ये पूरे 60 फंदे हैं डिजाइन वाला, और यहाँ पे तीन फंदे से बॉर्डर बना है, यहाँ पे बॉर्डर और एक आकार में भी बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर दोनों तरफ से सीधी बुनाई किए हैं, यहाँ बॉर्डर और यहाँ भी बॉर्डर बनाएंगे। देखिए 60 फंदे का ये, आपको एक बार और डिजाइन समझा देते हैं। ये तीन फंदे का हो गया बॉर्डर, अब डिजाइन भी तीन फंदे का है। तीसरा फंदा को सिलाई से ऐसे सामने ले आते हैं और इस प्रकार उसे पहले बुन देंगे, उसके बाद वाला फंदा, फिर उसके ये हो गया तीन फंदे का डिजाइन। बस इसी प्रकार बनाना है, तीसरे फंदे को सिलाई से उठा के सामने ले आना है। इसी प्रकार पूरा स्कार्फ का यह डिजाइन गोलाई में बनेगा। ये देखिए गोलाई भी बन चुका है और ये डिजाइन वाली पूरी पट्टी भी बन गई। अब इसकी सिलाई करेंगे, सिलाई के लिए बस इतना हिस्सा नीचे का खुला छोड़ेंगे, बाकी पूरी गोलाई में सिलाई होगी। इसकी गोलाई में सिलाई करने के लिए जो बॉर्डर हिस्सा है इसको छोड़ करके सिल रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार दोनों को मिला करके बस ऐसे सिलाई करेंगे। ये देखिए बस इसी प्रकार सिलाई करते जाना है और इतना हिस्सा बस यहाँ का छोड़ेंगे खुला। और यहाँ पे चाहे तो बेल्ट लगा सकते हैं या बटन, जब यह सामने आएगा तो बेल्ट या बटन इसमें लगाएंगे। बस ऐसे ही इसको सिलना है। यह हमारा गोल स्कार्फ बन चुका है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।